नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक प्राध्यापक परीक्षा का रिजल्ट रायपुर दिनांक 19/1/2021 को जारी कर दिया गया है, जिसमें सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2019 के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए 5/11/2020 से 8/11/2021 यानी 20 तक लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें लिखित परीक्षा परिणाम का वर्ग और उपवर्ग जो है अभ्यर्थियों का विषय के अनुसार साक्षरता के लिए चिन्हांकित कर दिए गए। सभी अभ्यर्थियों को जो जिन जिन का चयन हुआ उनका जो है साक्षरता के लिए लिस्ट जारी कर दिया गया सब्जेक्ट के अनुसार, जिसमें है अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र, राजनीति, हिंदी, गृह विज्ञान, वाणिज्य, रसायन, गणित, अर्थशास्त्र, इतिहास, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र और कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, विधि, संस्कृत, माइक्रोबायोलॉजी जो है, बायो केमिस्ट्री, वानिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, इन सभी के लिए कुल 1372 पदों के लिए आया था, जिसमें 2896 अभ्यर्थियों का चयन किया गया साक्षरता के लिए इंटरव्यू के लिए। इसमें सहायक प्राध्यापक परीक्षा का अगर आपको रिजल्ट देखना है, अपना रिजल्ट देखना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्राप्त हो जाएगा, वहाँ से सब्जेक्ट के अनुसार आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अभी सहायक प्राध्यापक परीक्षा के साक्षात्कार के लिए तिथि जारी नहीं किया गया, अलग से उसका तिथि जो है जारी किया जाएगा, सूचना दिया जाएगा। आप सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2019 का परिणाम देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.psc.cgo.gov.in पर अपलोड कर दिया गया, आप वहां से चेक कर सकते हैं सब्जेक्ट के अनुसार कि आप लोग का चयन हुआ है कि नहीं। तो यह दोस्तों वीडियो है, सभी तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, CG वैकेंसी न्यूज़ को जरूर करें।